दो साल से ज्यादा बढ़ गई तकलीफ। कितना खुलता है पैर हमारा? मतलब एक इंच, मुश्किल दो इंच मैक्सिमम, तो दो इंच से ज्यादा पैर नहीं खुलता। और ये इतना स्पेस रहता है बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, अगर घुटने मोड़ना चाहो तो एक साथ है बस इतना। तो अगर मैं इसमें फोर्स भी करूं तो पैर खुलेंगे नहीं। लेकिन अगर जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ तो भी पैर बिल्कुल नहीं खुल रहे, पास भी लाना मुश्किल है। पास भी नहीं आते क्योंकि दोनों ही फ्यूज्ड हो गए हैं। तो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की टिपिकल पिक्चर है जिसमें बिल्कुल फिक्स्ड हैं दोनों हिप, कोई अबडक्शन नहीं, कोई अडक्शन नहीं, मतलब इनको मिलाना भी मुश्किल है और दूर ले जाना भी मुश्किल है। तो हार्डली वन इंच का जो गैप है वही है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है काम करने में, कौन कौन से काम नहीं कर पाते? बाथरूम में जा पाता हूँ और उठना बैठना चलने फिरने। तो चलते भी छोटे छोटे स्टेप करके हो, ज्यादा नहीं चल सकते, सीढ़ी चढ़ फिर भी मैं आधा किलोमीटर तक चल लेते हो। और दो साल से लगभग ऐसे ही है? तो दो साल से घर में ही हो समझो, कहीं बाहर जाना वाना, सीढ़ी चढ़ना? जी। तो पहली चीज़ है कि हम पैर खोल देंगे आपके जब सर्जरी करेंगे। जैसे आपका पैर सिर्फ इतना उठ रहा है, पूरा मुड़ने लग जाएगा, लेकिन क्योंकि इतने दिनों से पूरा चले नहीं हो, बोन वीक हैं, मसल्स वीक हैं, तो हमें थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू में पैर खुल जाएंगे और कई बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा खुल गए, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करके उनको वापस लाना है। ठीक है, और जितना एक्सरसाइज बताएंगे, जो चलना है, जो प्रिकॉशन है, सारी करनी है। कोई सवाल? कोई सवाल मैं अपना ठीक हो जाऊंगा ना सर? बिल्कुल ठीक हो जाओगे, विश्वास नहीं हो रहा अभी? विश्वास है। बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो गर्दन में स्टिफनेस है बाकी है, उसके लिए दवाइयाँ देंगे। ठीक है, तो आशुतोष इज 31 और धनबाद झारखंड से आए हैं। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पिछले 10 साल से इनको प्रॉब्लम है, बट ही इज़ प्रैक्टिकली नाउ बेड रिडन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ ए यंग मैन और हमारी कोशिश है कि इनको इनकी मूवमेंट्स वापस दें, इनकी जो नॉर्मल लाइफ है वापस दें, ताकि ये लाइफ में प्रोडक्टिव काम कर सकें। ठीक है जी। तो आशुतोष का ये एक्सीडेंट देख रहे हैं सर्जरी से पहले, इसमें ये तो बिल्कुल ही फ्यूज था आपका, इसमें तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं थी, और इसमें रादर बेटर मूवमेंट आई है, है ना? तो इसमें घुटने की दिक्कत है और इधर भी जॉइंट लाइन काफी खराब थी, SI जॉइंट बिल्कुल खत्म थे, और टिपिकल एक्सरे है ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, और ये पैर थोड़ा सा अंदर भी था आपका, ये स्ट्रेट था। तो ये था एक्सरे इनका सर्जरी से पहले, और अब सर्जरी के बाद एक्सरे होते हैं। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज हुए, इधर हमें स्क्रू डालना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बोन क्वालिटी आपकी सॉफ्ट थी, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे जिधर फ्यूज होता है बोन क्वालिटी, उधर ज़्यादा खराब होती है। और ये हमने काफ़ी लार्ज साइज के स्टेम डाले थे और अब ये पेल्विस बैलेंस्ड है। आशुतोष हमारे पास आए थे 3 महीने पहले, जब इनका हमने रिप्लेसमेंट किए थे, तो हमने तब पैर कितना खुलते थे? नहीं खुलते थे सर, बिल्कुल नहीं खुलते। और अब कितना खुल रहे हैं? पूरा खुल रहा है। तो काफ़ी अच्छा है। और घुटना मोड़ी, ऐसे कोई दर्द तो नहीं? नहीं दर्द नहीं। अच्छा, कितना मुड़ जाता है आगे? बस ये घुटना स्टिफ था। हाँ। नी में स्टिफनेस था। यस, ये मोड़िए, इसका घुटना ठीक है? इसका ठीक है, रोटेशन बहुत अच्छी है। तो इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो नीचे बैठ पाओगे ना उसके बाद? कितना मोड़, दोनों घुटने एक साथ मोड़िए, कितना मोड़ कमर उठाइए। हाँ ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करेंगे।
अच्छा, चौकड़ी लगाने की कोशिश की या नहीं? इसकी वजह से। अच्छा, नीचे आइए एक बार, नीचे बैठने की कोशिश करो जितना जा सकते हो। हाँ, अब ये ट्राई करना है, लेकिन अब हम घुटने का काम करेंगे तो ये पूरा मुड़ जाएगा आपका, ठीक है? मतलब एक आध किलोमीटर, दो किलोमीटर चलना चाहे तो चल लेते हैं, दो किलोमीटर तक चले। साइकिल बाइक को चलाना शुरू किया? नहीं। क्यों? नहीं। और दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ती है? नहीं तो ये दर्द हो जाता है कमर में, वो थोड़े दिन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एंकलोजिंग है तो इसको कुछ ना कुछ दवाई। अभी एज कितनी होगी? 31। कुछ दिन और लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो डिजीज आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। गुड।